नमस्कार साथियों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं सागर क्रिम मैच। लोग अक्सर बातें करते रहते हैं कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस, आरसीबी वर्सेस सीएसके, सीएसके वर्सेस आरआर, सीएसके वर्सेस एमआई, इन सभी के बीच का मुकाबला बहुत ही खतरनाक होता है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स का एक मैच हुआ था, उसमें हार्दिक पांड्या के बॉल पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक शॉट मारा था रोहित शर्मा की ओर, और उस गेंद को पकड़ने में रोहित शर्मा का पैंट खुल गया था। बात तो सही है। लेकिन आपको बता दें कि चेन्नई के खिलाफ लखनऊ वाले भी किसी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। इसी आईपीएल का 34वां मैच जब लखनऊ सुपर जॉइंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था, अगर आपने वो मैच नहीं देखा है तो हम आपको बता दें कि उसमें लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया था। क्या बात कर रहे हैं। कल चेन्नई और लखनऊ के बीच दूसरा मैच हुआ, जिसमें लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी 108 रनों की नाबाद पारी के बावजूद भी इस मैच को लखनऊ की ओर फिसलने से नहीं रोका। भाई मारो मुझे। 20 ओवर समाप्ति के बाद चेन्नई ने 4 विकेट खोकर 210 रन बना लिए थे और लखनऊ को 211 रनों का पीछा करने आए लखनऊ। यार आप ही बताओ, लखनऊ की शुरुआती बल्लेबाजी को देखकर क्या आपको लगता था कि लखनऊ ये मैच जीत पाएगी? नहीं। इस मैच को जीतने में सबसे बड़ा योगदान रहा मार्कस स्टोनिस का, जिसने अपने बलबूते पर 124 रनों की नवाद पारी खेला। 211 रनों का टारगेट था। 19.3 ओवर में लखनऊ वाले ने 213 रन बनाकर मैच को क्या कर दिया गांधी जी? खत्म। आज का मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। इसी तरह हर मैच की इम्पोर्टेंट खबर और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सागर क्रिम मैच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।